हेलो फ्रेंड दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत आपको पता है इंडियन पॉलिटी की आपकी पूरी बुक है इसकी पूरी एक सीरीज आएगी इसको हम पूरी इसकी समरी पढ़ेंगे आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है इंडियन पॉलिटी इसकी तैयारी कैसे की जाए तो अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली मेरी तो आपको पूरा क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंडियन पॉलिटी पर और लक्ष्मीकांत की पूरी समरी आपको यहाँ पर कराई जाएगी आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है तो हमारे संविधान को भारत के संविधान को मनाने के लिए बनाने के लिए क्या करना पड़ा था एक असेंबली का निर्माण हुआ था उसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये असेंबली ने क्या करा था हमारा संविधान का निर्माण किया था ऐसे आप समझ सकते हो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक तरीके से जैसे आज जो है हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान नहीं था तो जब ब्रिटिशर ने भारतीयों को बोला कि भाई आप अपना संविधान बनाएं तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही किसकी संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इन लोगों को लेकिन इस असेंबली में इस समिति में कौन कौन लोग होंगे इसकी मेंबरशिप कैसे डिसाइड की जाएगी क्या इसमें लोग चुनाव से जीत के आएंगे या आपके सीधे मनोनीत कर लिए जाएंगे समझ रहे हो ना तो इस चीज़ पे हम क्या करेंगे इस पे चर्चा करेंगे जिस तरीके से आज हम लोकसभा देखते हैं तो उसमें क्या होता है हम अपने एम को चुन के भेजते हैं तो उस समय क्या रखा गया था प्रावधान की इसमें किस तरीके से लोग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आएंगे तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आएगा क्लियर तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले देखते हैं क्या अगर हम बात करें कंस्टिट्यूशन असेंबली तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे पहले डिमांड जो करी गई थी 1934 में की गई थी एम एन राव के द्वारा किसके द्वारा की गई थी एम एन राव के द्वारा की गई थी ये क्वेश्चन यूपी पी में बहुत बार पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस सीरीज से लगभग लगभग क्या होंगे सारे एम भी मिल जाएंगे क्लियर ऑफिशियली ऑफिशियली ब्रिटिशर ने कब ये माना कि यह संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही क्या किया जाएगा बनाया जाएगा यह माना उन्होंने अगस्त ऑफर में और अगस्त ऑफर कब आया था 1940 में आया था तो हम कह सकते हैं कि 1940 फोर्टी के जो अगस्त ऑफ़र था उसने जो है हमारा संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही बने इस डिमांड को ऑफिशियली क्या करा रिकॉग्नाइज कर दिया तो ये क्वेश्चन बहुत बारा पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा या किस जो है डिक्लेरेशन के द्वारा जो है भारत ही भारतीय भारतीय लोग ही भारत का संविधान बनाएंगे इसको ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार ने कब माना तो आपको लिखना पड़ेगा 1940 अगस्त ऑफर में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी ये जो बनी थी नवंबर 1946 में बनी थी और ये जो स्कीम एक कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कैबिनेट मिशन प्लान का ही आउटकम क्या था आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था क्लियर ये याद हो जाएगा तीन पॉइंट है तीन के तीन क्या है हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से अब हम देख लेते हैं भैया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे कैसे कैसे यहां पे चुनाव हुआ अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी टोटल मेंबरशिप जो थी वो 389 रखी गई थी और इस 389 में टू सिक्स जो सीटें थी वो ब्रिटिश इंडिया से ली गई थी और बाकी 93 सीटें जो थी वो प्रिंसली स्टेट से ली गई थी अब ये प्रिंसली स्टेट क्या है जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में पहले क्या होते थे रजवाड़े होते थे ठीक है तो जो जितने भी रजवाड़े थे उनसे 93 सीटें सीटें है, जो हैं ली गई थी और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया से उससे 296 सीटें ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है अब ब्रिटिशर ने कैसे सीट को अलॉट किया था उन्होंने सीट को अलाट किया था डिफरेंट डिफरेंट क्या ब्रिटिश की प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजघराने थे उनमें जो है सीटों को बांटा अब इस सीटों का मतलब क्या हुआ जैसे कि आज की तारीख में क्या होता है भैया एमपी का जब चुनाव लड़ते हो तो क्या होता है सबका अपना अपना कंस्टिट्यूंसी होती है सबका अपना क्या होता है क्षेत्र होता है क्लियर तो वो क्षेत्र के लोग क्या करते हैं उनको वोट देते हैं लेकिन यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने जो ब्रिटिश भारत था उसकी कंस्टिट्यूंसी बनाई और जो प्रिंसली स्टेट थे राजघराने थे उनकी क्या बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसली बनाई और वहां पे क्या रखा गया एक सीट का क्राइटेरिया रखा गया एक मिलियन पॉपुलेशन में मतलब दस लाख की पॉपुलेशन में क्या होगी एक सीट का प्रावधान किया गया तो इसको बहुत बार पूछा जाता है कि उन्होंने भैया किस तरीके से प्रावधान करा दस लाख पे एक सीट क्लियर है अब आगे देखते हैं अब यहां पे जो है इलेक्शन में वोट कैसे डालेंगे उसका भी एक प्रावधान रखा गया तीन तरह की कम्युनिटी बनाई एक बनाई गई मुस्लिम एक बनाई सिख और मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी कम्युनिटी उनको किस में रखा गया जनरल कम्युनिटी में रखा गया क्लियर और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो मुस्लिम जो इलेक्शन में लड़ेगा उसको केवल मुस्लिम सी वोट देंगे सिख को केवल सिख ही वोट देंगे तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जिस कम्युनिटी का है उस कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट देंगे नीचे वाली लाइन में देखो लिखा है क्या लिखा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ डेट कम्युनिटी ये याद रखना ये बहुत बार उत्तर प्रदेश और यूपीएससी दोनों ने पूछा है सबसे पहले पूछते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी रखी गई थी एक थी भैया आपकी मुस्लिम एक थी सिख और मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सारे क्या थे जनरल में उन्होंने डाल दिए थे इन्हीं कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे इन्हीं को क्या करेंगे वोट देंगे तो इस तरीके के वोटिंग बिहेवियर को क्या बोलते हैं कम्युनल बोटिंग क्या बोलते हैं कम्युनल बोटिंग बोलते हैं तो ये एकदम सही बात है क्लियर है यहां तक इसके आगे देखते हैं जो प्रिंसली स्टेट थे ये तो हो गया भैया ब्रिटिश इंडिया में कि ब्रिटिश इंडिया को कि अगर तीन कैटेगरी में बांट दिया मुस्लिम सिख और क्या जर्नल इन्हीं के लोग इनको वोट देंगे और जो राजघराने थे तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि राजघराने क्या करेंगे वो अपने राज्य की तरफ से किसको चुन के भेजना चाहेंगे वो खुद ही कर देंगे मनोनीत कर लेंगे तो मतलब वहां पे इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी क्लियर तो राजघराने को क्या बोला प्रिंसली स्टेट को द रिप्रेजेंटेटिव वर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट वहां का राजा जिसको नॉमिनेट करेगा उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेज दिया जाएगा क्लियर अब इसका मतलब क्या कि अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें मतलब जहां पे जो है ब्रिटिशर राज करते थे और अगर हम राजघराने की बात करें तो राजघराने से सदस्य तो मनोनीत होकर आ रहे हैं जबकि ब्रिटिश इंडिया से क्या हो रहे हैं लोग चुन के आ रहे हैं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि जो कंस्टिटेंट असेंबली बनेगी वो पार्सली क्या थी नॉमिनेटेड थी और पार्सली क्या थी इलेक्टेड थी से और नो तो ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका नेचर क्या था इट वॉज द मिक्सचर ऑफ पार्सली इलेक्टेड एंड पार्सली नॉमिनेटेड पार्सली नॉमिनेटेड क्यों थी क्योंकि भैया राजघराने वाले नॉमिनेटेड होकर आए थे पार्सली इलेक्टेड क्यों थी क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था वहां पे लोगों को का चुनना था याद आ गया क्लियर अब देखो और जो बोटिंग करने वाली जनता होगी वो वोट कहाँ से करेगी तो वो जो वोट होगा वो होगा प्रोविंशियल असेंबली से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके आगे स्टार लगा लो बहुत बार पूछा गया है एक बार सेंटेंस पढ़ लो मोरेवर द मेंबर वर्ड टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बहुत अच्छी तरीके से याद रखना इसको ये यूपीएससी ने 2017 हजार 18 में भी पूछा था प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस तो बहुत बार पूछता ही पूछता है क्लियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगली चीज देखते हैं अब भैया चुनाव हो गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गई बन गई है अब इसने कैसे काम किया तो यह भी क्या है अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम यहां पर देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी पहली मीटिंग कब करी थी तो पहली मीटिंग इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को करी थी फेवरेट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का बार बार पूछते हैं और उस समय जो है दो हजार जो है मेंबर्स ने भाग लिया था मुस्लिम लीग ने जो है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने से साफ मना कर दिया था और इसका बॉयकॉट कर दिया था क्यों क्योंकि वो सेपरेट पाकिस्तान की मांग करते थे कल का क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुस्लिम लीग के इतने सदस्य तुरंत काट देना क्योंकि उन्होंने क्या किया था बॉयकॉट कर दिया था अब जब ये असेंबली पहली बार बैठी तो हर असेंबली में एक अध्यक्ष चुना जाता है जो सारी क्या करता है कार्यकलाप करवाता है तो उस समय टेम्प्ररली प्रेसिडेंट कौन चुने गए डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा चुने गए कौन चुने गए डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा चुने गए टेम्पररी प्रेसिडेंट और इनकी मैं आपको पिक्स दिखा दे रहा हूं यह है इंटरम या टेंपररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पहली बार 9 दिसंबर को ये बैठे थे तो उन्होंने इन्हीं को चुना था क्लियर लेकिन ये क्या थे टेम्पररी थे अस्थाई थे याद रहे ना इनका नाम फिर उसके बाद दो दिन बाद नौ के बाद कितनी दो दिन होते हैं ग्यारह ग्यारह दिसंबर को उन्नीस को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया परमानेंटली क्या चुन लिया गया प्रेसिडेंट चुन लिया गया और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया आपके किसको एच सी मुखर्जी साहब को ये है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यह कौन एच सी मुखर्जी साहब याद हो जाएगा पिक्टोग्राफिक मेमोरी से आपके दिमाग में रहेगा याद रखना अगर अस्थाई पूछे तो सचितानंद सिन्हा ही आना चाहिए और जब स्थाई पूछे तो राजेंद्र प्रसाद ही आना चाहिए और अगर पूछे वाइस प्रेसिडेंट तो कौन बोलोगे आप एच सी मुखर्जी ही बोलोगे यहां तक सबको क्लियर <coughs> कोई दिक्कत किसी को आगे देखो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था डॉप्ट किया था और इसमें संविधान की फिलॉसफी या आइडियोलॉजी के बारे में क्या था हमें जो है पता चलता है इसमें दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब लाया गया था तो ये तेरह दिसंबर उन्नीस को लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था यहाँ तक क्लियर अब इसके बाद जो है ये क्या करता है फंडामेंटल और फिलॉसफी बताता है हमारे संविधान की और ये पेश किया था तेरह दिसंबर को और ये पास कब हुआ बाईस जनवरी उन्नीस को हाईली इंपॉर्टेंट डेट जो 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 चीजें मैं आपको स्लाइड में बता रहा हूं वो क्या है हाईली इंपोर्टेंट चीजें यहां तक क्लियर कोई दिक्कत किसी को जल्दी बताओ अब देखो जब ये असेंबली कौन सी संविधान निर्माण करने वाली असेंबली कॉन्स्टिट्युएंट असेंबली जब भी ये संविधान बनाने वाली बॉडी की तरह बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब ये लेजिस्लेटिव तरीके से बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे जी मावलंकर करते थे याद हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और जी मावलंकर ये पूछा जाता है कौन अध्यक्षता करता था जब संविधान बनाने की बात करेंगे तो ये साहब आएंगे और जब लेजिस्लेटिव की बात करेंगे तो ये साहब आएंगे <coughs> अब अदर फंक्शन क्या थे तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कब हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट एंथम करा था नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया था क्लियर और जो है कॉमनवेल्थ की जो है मेंबरशिप कब हमने रेटिफाइड करी थी तो इसको आप याद करोगे ये रटने वाली चीज है अब इसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको दो साल कितने 11 महीने 18 दिन टोटल लगे थे हमारे संविधान को बनाने में कितना लगा था दो साल 11 महीने 18 दिन क्लियर और टोटल कितने सेशन लिए थे उन्होंने 11 सेशन लिए थे तो ये भी क्वेश्चन एक बार आ रखा है <coughs> यहाँ पे अब ये पार्ट वन खत्म करते हैं अब इसके पार्ट टू में देखेंगे हम कौन कौन सी क्या थी कमेटीज थी जिनपे से क्वेश्चन आता था क्लियर तो थैंक यू वेरी मच <coughs> अगर आपको प्लस में मेरे पूरे कोर्स से जुड़ना है तो आपको एम के एस लाइव रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे एम के एस लाइव जैसी रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे रेफरल कोड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलता है और सीधे आप मेरी क्लास से जुड़ भी जाओगे यहाँ पे मैं क्या है मेरा क्या है दो हज़ार बीस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स का जिसमें सारी चीज़ें मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो बस आपको रेफरल कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा एम के एस एल आई वी यूज़ करना पड़ेगा इसके अलावा अगर आप मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हो पेपर वन जीएस का पेपर टू पेपर थ्री और पेपर फोर ये चारों चीज़ मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो ये भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा प्रिलिम्स प्रिलिम्स पूरा का मतलब कंप्लीट प्रिलिम्स मेरे ही द्वारा सारे के सारे जितने भी नौ दस चीज़ें होती हैं सबकी सब चीज़ मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा मेंस और पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल तो आप जो है प्लस में, में मेरी क्लास से जुड़ सकते हो एम के एस लाइव आपको रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा बारह महीने के लिए जुड़ जाओगे इतनी सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी और सिलेक्शन क्या हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा क्लियर थैंक यू वेरी मच अब मिलते हैं हम इसके दूसरे वीडियो में हैव ए गुड डे गॉड ब्लेस यू